नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। राजस्थान में एक तरफ जहां गहलोत सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए दवा पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की और मरीजों तक मिनटों में सहायता पहुंचाने के दावे कर रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और है। जैसलमेर से स्वास्थ्य विभाग के दावों का खोखला साबित होता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ है, जानेंगे पूरा मामला क्या है विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य मंत्री सुभाष गर्ग ने हाल ही में एम्बुलेंस सेवा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जैसलमेर में गर्भवती महिला के सरकारी अस्पताल की ओर से जो लापरवाही की गई, उसमें माँ और बच्चे दोनों की ही जान जा सकती थी। सड़क पर प्रसव को मजबूर हुई महिला के पति राजू ने बताया कि वह उसकी पत्नी ज्योति को प्रसव पीड़ा होने पर मंगलवार को नोक अस्पताल लेकर आया। अस्पताल में स्टाफ ने ड्रिप लगाई और उन लोगों को घर भेज दिया। वापस लौटते समय रास्ते में प्रसव पीड़ा होने लगी। बीच सड़क पर ज्योति ने एक बेटी को जन्म दिया। राह चलते लोगों ने उसकी मदद की और लोगों ने उसको अस्पताल पहुंचाया। लोगों के डर से अस्पताल वालों ने उसकी पत्नी को भर्ती नहीं किया। इस घटना पर अस्पताल की ओर से जवाब आया है कि नोक सीएचओ में मेल कंपाउंडर प्रेम ने बताया कि महिला जब यहां आई थी तब उसको जी मचलाने की शिकायत थी। हमने उसको ड्रिप चढ़ाई। रहा सवाल डिलीवरी का, तो महिला के 8 महीने का गर्भ था और उस समय ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। कुछ लोग महिला को लेकर आए थे तो हमने उसे एडमिट किया। मामले पर मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर जैसलमेर की सीएमओ डॉक्टर कुणाल साहू ने बताया कि मामले की जानकारी ली जा रही है और इस मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर लापरवाही आई तो कार्रवाई होगी। अब इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब तक होगी, होगी भी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समाज में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो इसके लिए सरकारों को स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सजग रहना होगा। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीपीवी न्यूज।